हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एचआरएम सो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर रहे थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का उसमें जो है हमने टू पॉइंट्स कर लिए थे फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट तक कर लिया था अब हम करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कि क्या सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं एक होता है इंटरनल सोर्सेज दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट वर्किंग फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का यानी प्रेजेंट जो भी काम कर रहे हैं पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं को ही हम अगर जब रिक्रूट करते हैं उनका प्रमोशन कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं डिमोशन कराते हैं तो इस तरह से अगर हम काम कर रहे हैं या जो कंपनी है वो काम कर रही है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल सोर्सेस मान लीजिए ऊपर की पोस्ट खाली हो गई तो किसी नीचे वाले पर्सन को हमने प्रमोट कर दिया नीचे वाली पोस्ट के पर्सन को तो उस तरह से रिक्रूटमेंट अगर कंपनी करती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज इसमें जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो है प्रेफरेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द वेकेंट पोस्ट वेकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए और यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज सिर्फ टैप किए जाएंगे जब अगर वो जो पर्सनस हैं वो कैपेबल नहीं है उन पोस्ट के लिए ठीक है तभी इस एक्सटर्नल रिसोर्सिस को यूज़ किया जाएगा अब बिसाइड दिस जो एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं या टेम्परेरी या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन उनमें क्या होता है कि उनको भी एक्सटर्नल रिसोर्सिस या जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके थ्रू अपॉइंट किया जाता है इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को चार भागों में डिवाइड किया गया है परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉय जो परमानेंट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में टेम्प्रेरी वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो टेम्प्रेरी काम कर रहे हैं कुछ टाइम के पीरियड के लिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज़ किसी एक एम्प्लॉय मर गया था तो उसका कोई दूसरा पर्सन या उसका कोई फ्रेंड है कोई रिलेटिव है अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अब इनके मेरिट्स क्या होते हैं ये जो सोर्सेज हैं ये यूज़ किए जाते हैं कि इम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके और ये साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है उसको भी इंक्रीज करते हैं एज अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बिहाफ पर एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो सुटेबल इतने नहीं होते जितने कि इंटरनल सोर्सेज सुटेबल हैं यहाँ पर जो है लॉयलिटी की स्पिरिट बनी रहती है एम्प्लॉयज़ में और इट डेवलप द स्पिरट ऑफ बिलोंगिंग अमंग द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ के बीच में बिलोंगिंगनेस भी बनी रहती है एक दूसरे के प्रति वो भी अच्छे से काम करते हैं और उनके लिए भी वो लॉयर होते हैं एक दूसरे के लिए भी जो इम्प्लॉयज़ हैं वो लॉयल रहते हैं उसके बाद है एम्प्लॉयज़ डू देयर वर्क विद मोर डेडिकेशन जो इम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे डेडिकेशन के साथ करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं एम्प्लॉयज़ की वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलती है प्रमोशन का मतलब ज़्यादा इनकम मिलेगी लो कॉस्ट ऑफ़ सिलेक्शन सिलेक्शन में भी लो कॉस्ट है ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता वरना सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है ट्रेड यूनियंस रिमेन सेटिस्फाई इसमें जो है ट्रेड यूनियंस भी सैटिस्फाई रहते हैं क्योंकि ट्रेड यूनियंस जो हैं जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहाफ पर ही काम करते हैं सो वो भी सेटिस्फाई रहते हैं कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिडक्शन इन लेबर टर्न ओवर रेट लेबर टर्न ओवर रेट में भी रिडक्शन आती है यानी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पर सेटिस्फाई रहेंगे तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे तो इससे जो लेबर टर्न रेट है वो भी कम होगा उसके बाद डीमेरिट्स आते हैं डीमेरिट्स हैं कि जो न्यू पर्सनस हैं वो मोस्टली उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती काम करने की नए पर्सनस नहीं आ सकते प्रोमोशन जो है मोस्टली बाय ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी प्रमोशन जो है मोस्टली सीन्योरिटी बेसिस पर होता है मैरिट बेसिस पर नहीं होता पर्सनल परसैप्शन ऑफ मैनेजर्स आर मोर डोमिनेंट इन सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में जो पर्सनल परसेप्शन हैं यानी कि मान लीजिए कि किसी जो एम्प्लॉय है ठीक है उसका कोई ना कोई रिलेशन है किसी दूसरे पर्सन से जो कि अपॉइंट करता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल कर रहा है सो so अगर इस तरह का को उसका कोई रिलेशन होता है तो वो उसको फटाफट से अपॉइंट कर लेता है हाई पोस्ट के लिए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव भी दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ हो जाता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फाइंड इन एम्प्लॉयज विध रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज उनके पास उतनी ही क्वालिफिकेशंस हैं जो नई टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं होती है तो वो उसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं लेकिन जो अगर न्यू एम्प्लॉयज़ बाहर से आएंगे तो वो नई टेक्नोलॉजी नए आइडिया के साथ आते हैं तो वहाँ पर जब ये आएंगे ही नई नई एम्प्लॉयज़ तो वहाँ पर वही आइडिया वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा वही क्वालिफिकेशन्स रहेंगी फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं तो इस वहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता यानी इतने सारे एम्प्लॉयज़ की अगर रिक्वायरमेंट होगी बहुत सारे तब उस टाइम पर इंटरनल सोर्सेज सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज यहाँ पर गिवन है जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एडवर्टाइजमेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोफेशनल एसोसिएशन कैजुअल एप्लीकेंट्स ट्रेड यूनियंस लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्रूटमेंट एक्ट फैक्ट्रीगेट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉय अदर ऑर्गनाइजेशंस सो हम पहले डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब यहाँ पर क्या होता है जो वर्कस हैं कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं इंडस्ट्री में और ट्रेड के टाइम पर तो इन फंक्शंस जो टू परफॉर्म दिस फंक्शंस इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हायर लेवल एजुकेशन पर्सनल या टेक्निकल पर्सन या टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो हायर लेवल वेकेंट पोस्ट को जो फिल करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो कहाँ जाती हैं मैनेजमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में वहाँ से उनको जो है एम्प्लॉय करती हैं एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि जो वहाँ के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो पर्सनस हैं इस तरह के एजुकेशन ले रहे होते हैं फिर आता है एडवर्टीजमेंट एडवर्टीज़मेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स है रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको अनाउंस कर दिया जाता है थ्रू डिफरेंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चाहे न्यूज़पेपर्स में कर दिया जाए मैगजीन्स में आप देखते होंगे जो न्यूज़पेपर्स में वहाँ पर छोटी छोटी जगह पर कर, लिख दिया जाता है कि यहाँ यहाँ पोस्ट खाली है इस कंपनी में ये पोस्ट खाली है इस तरह की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी तो यहाँ पर इस तरह से कर जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट uh, को किया जाता है और इसका एडवांटेज एडवाटेज ये होता है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं और लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें से जो बहुत सारे एम्प्लॉज हैं उनके पास पूरी परफेक्ट uh, जो है क्वालिफिकेशंस नहीं होती समटाइम्स उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं वो अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और ये जो एक्सचेंज है ये एक तरीके से काम करती है बिटवीन उन लोगों के बीच में जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और जो जॉब ऑफर कर रहे हैं उसके बीच में एक तरीके से मिडल मैन की तरह काम करती है और जो कंपनी है इन से कॉन्टैक्ट रखती है कि उनको जब भी अपनी वैकेंसीज को फिल कराना होता है तो वो करा सकती है उसके बाद है प्रोफेशनल एसोसिएशन्स यहाँ पर ये मतलब है कि प्रोफेशनल associations also सर्व एज अ means फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ employees. इट इज़ एन appropriate सोर्स ये जो है एक तरीके से appropriate सोर्स है जिसमें managerial, सुपरवाइजरी और टेक्निकल employees को जब अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है ये और इसमें जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑलवेज लिस्ट जो प्रोफेशनल्स बड़ी बड़ी एसोसिएशन होती हैं वो एक तरीके से प्रोफेशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट अपने पास प्रिपेयर रखती हैं फिर जो कंपनीज uh, होती हैं वो इनसे कांटेक्ट करती हैं और उन वैकेंसीज को बाद में फिल करा लेती है उसके बाद है कैजुअल एप्लीकेंट्स रीओ इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू रिसीव कैजुअल एप्लीकेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जो एप्लीकेशंस आती हैं ठीक है थीके? जो भी कंपनीज में एप्लीकेशंस आई तो उनमें से पहले तो किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है जो भी सुटेबल इंप्लॉयज होता है बाकी की जो एप्लीकेशंस रह जाती हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है कंपनी को कि आगे सिलेक्शन करना है तो वो उन एप्लीकेशन्स में से पहले देखती हैं कि किसकी उस के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं फिर उसमें से एक जो सुटेबल एम्प्लॉय है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद है ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन जो हैं वो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट के लिए भी कंपनीज को कहते हैं कि जो भी पर्सनस हैं जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयड कराने के लिए ट्रेड यूनियन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रेड यूनियन से पूछा जाता है कि कोई अनएम्प्लॉयड का आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो वो दे दीजिए तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करा लेती हैं उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का इनमें जो है दिस कॉन्ट्रैक्टर ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये वर्क सारा का सारा काम लेबर से करवाते हैं और जैसे कि आपने देखा होगा ठेकेदार जो होते हैं अब उनके साथ जो लेबर आती है वो सारा का सारा काम कराती है लेबर उनके साथ फिर उसके बाद जब वो का काम कंप्लीट हो जाता है तब जो लेबर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चले जाते हैं ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर ठेकेदार जो है यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो चला गया सो जो उसकी लेबर है वो भी नहीं रुकेगी वो भी उसके साथ चली जाएगी अगर वो काम बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो लेबर भी आगे का काम नहीं करती बिना उसकी परमिशन के रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट कंपनी का जो गेट होता है उसके बाहर पर बाहर एक जैसे बोर्ड टाइप कह सकते हैं लगा दिया जाता है अगर रेगुलर लेबरल जो है वो एबसेंट है फ्रॉम वर्क और एनी डे किसी भी दिन तो जो सिलेक्शन है उन से टेबल लेबर्स में से अपॉइंट कर लिया जाता है उन उन आ, डेली बेसिस के लिए जब भी जो एम्प्लॉयज़ अगर एबसेंट है तो वो उसकी जगह पर दूसरा एम्प्लॉय काम करेगा फिर आता है फ्रेंड एंड रिलेटिव और प्रेजेंट एम्प्लॉयज जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो अगर उनका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अनएम्प्लॉयड है और किसी भी पर्सन सॉरी yeah, किसी भी कंपनी को अगर रिक्रूटमेंट कराना है तो वो उन पर्सन से प्रेजेंट एम्प्लॉय से बात करेगी और रिक्रूटमेंट करा लेगी उसके बाद है एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर ऑर्गनाइजेशन अगर कोई कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है कैपेबल है और कंपनीज जो हैं उनको एक उन ड्राइवल फॉर्म्स के लिए जो भी अगर उनको वो दे रहे हैं मान लीजिए अगर कोई ड्राइवल फॉर्म जो है उसको सैलरी ट्वेंटी uh, थाउजेंड दे रही है तो वो उनको और नॉलेज दे देता है और वो सैलरी को बढ़ा देता है अगर उस पर वो एम्प्लॉयज आ जाता है और फिर जो रिक्रूटमेंट है वो इस तरह से कर लिया जाता है कंपनीज के द्वारा मैरिट्स mm -hmm. अब एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स क्या हैं नए पर्सन को अपर्चुनिटी मिलती है कंपनी में एंटर करने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिंग लार्ज अंडर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो बेस्ट सिलेक्शन पॉसिबल हो पाता है एम्प्लॉयज़ जो हैं सुटेबल so, नॉलेज के होते हैं और स्किल्स अवेलेबल होती है उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स भी होती हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है बिना किसी भेदभाव के किया जाता है जो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट होती है वो मिनिमम होती है बिकॉज इम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एज एट अ अस पेज रेट सो बाय रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अदर ऑर्गनाइजेशन उनका जो एक्सपीरियंस है एक्सपर्टाइजमेंट है वो उनका एडवांटेज भी वो ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है उसके बाद आते हैं डीमेरिट्स लिमिटेशन ऑफ लेबर मैरिट इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट लेबर मार्केट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैरिड वुमेन डू नॉट लाइक टू वर्क एट अ डिस्टेंट प्लेस जैसे कि अगर कोई मैरिड वुमेन है तो वो ज़्यादा दूर काम करना नहीं चाहेगी सो so, रेपुटेशन जो होती है कंपनी की यहाँ पर इफेक्ट होती है इफ़ कंपनी इंजॉय गुड रेपुटेशन गुड रेपुटेशन को इन्जॉय करती है तो देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एडोक्ट मैन पावर तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एडुकेट मैन पावर को लेने के लिए लेकिन अगर कंपनी की रेपोटेशन बेकार है तो बेस्ट कैंडिडेट्स उसको नहीं मिल पाते हैं इफ़ कंपनी डज नॉट बिलीव इन रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ फ्राम अदर ऑर्गेनाइजेशन इट में अगर कंपनी जो है ये बिलीव नहीं करती कि मैं किसी और जो मेरी राइवल फॉर्म है या कॉम्पिटिंग फॉर्म है उससे मैं अगर एम्प्लॉयज़ ले लूँ इस तरह से कुछ भी बिलीव नहीं करती है इन तरह की पॉलिसीज में तो वो उनको कोई भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एडिकेट नंबर में मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता सो so, आज हम करेंगे यही टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय